जी के पास। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के बजट में, और आपके तरफ से आप पहला स्टॉक भी बताइए। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं बजट को एनालाइज करने के लिए, बट फिर भी मेरा मानना है कि इस बजट में हेल्थ केयर, रेलवे और डिफेंस, ये जो तीन सेक्टर हैं, यहाँ पर अच्छा बल दिया जाएगा। काफी बजटरी एलोकेशन होगा जिसके कारण से इस सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आप देख सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो मैंने अपने आइडेंटिफाई किया है, जो हम अपने निवेशकों को एडवाइस कर रहे हैं, वो ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, जो मेदांता हॉस्पिटल्स के नाम से जानी जाती है कंपनी, और इस स्टॉक को 1340 रुपए पर खरीदने की सलाह है। अब रीजन यही है कि पिछले साल जो बजट का लोकेशन था वो हेल्थ केयर सेक्टर में 79,000 करोड़ से बढ़कर 90,000 करोड़ के ऊपर एलोकेशन था। मेरा मानना है इस बार कम से कम 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का एलोकेशन इस सेक्टर पे आएगा। तो क्योंकि अब 5 लाख रुपए का तक का आयुष्मान कार्ड लोगों को दिया जा रहा है, और 70 साल के ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी कुछ स्कीम इस बजट में आ सकती है, तो इसका बिल्कुल बेनिफिट हॉस्पिटल स्टॉक्स में रहेगा। और ग्लोबल हेल्थ इस स्टॉक में हमने देखा भी है कि 670-680 रुपए से ये स्टॉक ग्रेजुअली बढ़ बढ़ के अब 1300 रुपए तक आ गया, फिर भी अपने 52-week हाई से करीब 200 रुपए नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और 25% की CAGR ग्रोथ यहाँ पर बिल्कुल अश्योर्ड है, क्योंकि NCR के बाद में अब लखनऊ, पटना, इंदौर जैसे शहरों में भी कंपनी अपने हॉस्पिटल ओपन कर रही है। तो बेड भी 2500 से बढ़ के 3800 हो जाएंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिलेगा, बट बजट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी पिक है।